नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10A वर्सेस Moto G42 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10A में 6.49 इंच जबकि G42 में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 10A से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10A में 3.03 इंच जबकि G42 में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 10A से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10A में 0.35 इंच जबकि G42 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10A में 194 ग्राम्स जबकि G42 में 174.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi 10A में IPS LCD जबकि G42 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10A में 6.53 इंचेस जबकि G42 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 10A में 720x1600 और G42 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10A में 81.08% जबकि G42 में 83.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10A में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि G42 में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10A में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और G42 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 10A में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G42 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 10A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और G42 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10A में PowerVR G8320 जबकि G42 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10A में MediaTek Helio G25 और G42 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3 GB 4 GB की RAM मिलती है, जबकि G42 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि G42 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10A में अप टू 512 GB जबकि G42 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 10A में Android V11 जबकि G42 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10A में 3 कलर्स जबकि G42 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8499 रुपीस 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें G42 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10A में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G42 की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में G42 आगे है, मेन कैमरा में G42 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G42 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OPPO A16 है, दूसरा Infinix Note 11 है, तीसरा Xiaomi Redmi 10 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 50A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।